हेलो एवरीवन, मैं हूं देव और स्वागत है आपका मेरे चैनल देव MTR में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक सेकंड हैंड कार लेने जाते हो तो आप ये कैसे पता लगाओगे कि गाड़ी की जो कंडीशन है को कहीं एक्सीडेंटल तो नहीं है, गाड़ी जो है ज़्यादा ठुकी हुई तो नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे गाड़ी के फ्रंट साइड से एक्सीडेंट हुआ है या नहीं। तो उसके लिए हम सबसे पहले गाड़ी का बोनट खोल लेंगे। तो बोनट खोलने के बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हो गाड़ी के बोनट में कहीं डेंट तो नहीं है, गाड़ी का बोनट कभी एक्सीडेंटल तो नहीं हुआ है। अगर गाड़ी का बोनट कभी एक्सीडेंटल हुआ है या बेंड है तो यहाँ पे आप गाड़ी की ये बोनट की शेप भी देख सकते हो। इसके साथ ही यहाँ पे ये अगर ये जो छेद हैं कहीं चौड़े तो नहीं है, तो ये गाड़ी के जो छेद हैं एकदम फ्रेश हैं और ये भी छेद फ्रेश है। अगर ये यहाँ पे पीछे की साइड में अगर डेंट होता है, अगर डेंट कराया हुआ किसी ने, तो इस छेदों से होकर मतलब वो डेंट जो है सीधा किया जाता है। और ये ब्लैक पट्टी जो आप देख रहे हो ये गाड़ी के साथ आई हुई है। इसके साथ ही आप देख सकते हो गाड़ी के रेडिएटर के ऊपर जो लोहे की पट्टी होती है जिस पे हेडलाइट और ये सब कुछ कसा हुआ होता है। तो ये जो पट्टी का क्या होता है कि अगर गाड़ी की एक्सीडेंट होता है, थोड़ा मेजर हो या छोटा बड़ा हो, तो इससे आप पता लगा सकते हो। कैसे पता लगा सकते हो, इसको पता लगाने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे गाड़ी का इंजन नंबर और चेसिस नंबर की एक प्लेट होती है। अगर ये प्लेट दोस्तों अगर आईलेट से लगी हुई हुई है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे पेच कसे हुए हैं दो ब्लैक कलर के, इसका मतलब कि ये जो पट्टी जो है वो चेंज हो चुकी है और जो इसके साथ जो गाड़ी के साथ पट्टी थी उस पट्टी में से ये जो प्लेट है वो निकाल कर इसमें कस दी गई है। इससे ये सिद्ध होता है कि गाड़ी जो है थोड़ी बहुत एक्सीडेंट जरूर हुई है। तो इस पॉइंट को दोस्तों ये एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है जिससे आप पता लगा सकते हो गाड़ी एक्सीडेंटल की है इस पट्टी के थ्रू। अब हम बात करते हैं कि गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा हैवी और मेजर एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है, तो उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप यहाँ पर फेंडर की सेप भी देख सकते हो, जो फेंडर होते हैं साइड में। इसके साथ ही आपको चेक करना है कि जो नीचे की साइड में आपको दिखा सकता हूँ कि जो जॉइंट होते हैं गाड़ी के, जैसा कि आप देख रहे हो ये जो मैं उंगली से निशान लगा रहा हूँ, ये जो जॉइंट है वो कंपनी की जैसे एकदम फिनिश, उनकी जो फिनिशिंग है वो कंपनी जैसी है ही, या मतलब जो वेल्डिंग के बाद उभरा अगर आपको ऐसा कुछ नज़र आ रहा है तो आप उस गाड़ी को बिल्कुल भी ना लें। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर मेजर एक्सीडेंट होता है तो उस कंडीशन में जो है ये जो आप बड़ा सा आप देख रहे हो ये गोल सा है जिसके ऊपर सॉकर गाड़ी के कसे हुए होते हैं, तो ये जो है पूरा पोर्शन जो है गाड़ी का कट के दोबारा से सेट किया जाता है। और एक ये भी आप यहाँ भी देख सकते हो, तो ये दोनों काट के सेट किए जा सकते हैं, लेकिन ये आसानी से पहचाने जा सकते हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो पीछे की भी मैं कंडीशन दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जेन्युइन है एकदम, गाड़ी का जो मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ है, छोटा मोटा ही एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे। तो हम बात करेंगे गाड़ी के राइट हैंड साइड से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आप जाओ गाड़ी के राइट हैंड साइड डोर पर, डोर के बाद इस जो पट्टी होती है ब्लैक कलर की रबड़ की, इसको हटाना है। हटाने के बाद आपको इसकी जो फिनिशिंग होती है, इस फिनिशिंग में कोई चेंजेस तो नहीं है, कहीं इसमें कोई दरार तो नहीं है या गड्ढे से आपको कहीं नज़र तो नहीं आ रहे कि जो स्पॉट वेल्डिंग होती है इसमें तो थोड़ी सी गलावट है, थोड़ी सी गलावट की वजह से लोहे में इसकी वजह से आपको थोड़ा सा ये चीज़ नहीं दिख पाएगी। तो इस जगह से आप गाड़ी की जो एक्सीडेंटल कंडीशन यहाँ से चेक कर सकते हो। अगर यहाँ से ये कहीं बेंड हुई है तो आपको आसानी से ये चीज़ पता लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्पॉट वेल्डिंग होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, गौर से मैं दिखा दूँ, ये स्पॉट वेल्डिंग ये हुआ, तो स्पॉट वेल्डिंग से ये जोड़ा जाता है। इसके साथ ही आप यहाँ भी देख सकते हो जो गाड़ी का जो फ्रंट वाला शीशा का जो फ्रेम होता है, यहाँ पे इसकी जो शेपिंग है, जो साइज है, उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। दोस्तों हम गाड़ी का जो राइट हैंड साइड का हमने चेक कर लिया है, उसके बाद हम गाड़ी का जो बैक एंड साइड होती है, बैक साइड कहीं ठुकी हुई तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए सबसे पहले एक हल्की सी टिप्स दे रहा हूँ मैं आपको। किसी भी गाड़ी को ख़रीदने से पहले आप देख सकते हो जो गाड़ी के जो मोनोग्राम होते हैं, अगर गाड़ी कभी भी ठुकती है तो ये कभी कभी आपने गाड़ियों को देखा होगा कि ये जो मोनोग्राम्स होते हैं गाड़ी के वो आपको अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इस चीज़ से आपको पता लग जाता है कि गाड़ी का जो डेंट पेंट हुआ है उस पीछे वाली जो विंडो होती है, उसको खिड़की होती है, तो ये भी एक एक्सीडेंट का एक छोटा सा टिप्स है। उसके बाद गाड़ी का जो बोनट होता है उसको हम खोलेंगे। खोलने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि इसके जो जॉइंट होते हैं, इसकी रबड़ भी आप निकाल के देख सकते हो कि यहाँ पे जो गाड़ी की जो सेफ है वो कैसी है, कहीं बेंड तो नहीं हो रहा है। यहाँ से आप चेक कर सकते हो गाड़ी के जो बेंड तो नहीं हो रही है कहीं से।
तो ये रबड़ तो थोड़ा निकलना मुश्किल है, लेकिन यहाँ से आप इसकी जो गाड़ी की जो सेफ होती है उसको चेक कर सकते हो। इसके साथ ही मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप पीछे से चेक करना चाहते हो तो गाड़ी के जो मोनोग्राम्स होते हैं उसको आप चेक कर सकते हो। अगर ये गाड़ी के ओरिजिनल मोनोग्राम्स नहीं है तो इसका मतलब कि गाड़ी जो है पीछे की साइड से डेंट पेंट हुई है 101%, क्योंकि जो ओरिजिनल मोनोग्राम्स आते हैं गाड़ी के साथ में लगे हुए वो जो है आपको गाड़ी के साथ ही मिलते हैं। वो जो है अगर आप बाहर से भी इसको आफ्टर मार्केट से लगवाते हो तो वो जो है जल्दी छूट जाते हैं, तो ओरिजिनल जो होते हैं वो छूटते नहीं हैं। अगर ये चीज़ नहीं है तो आप इससे चेक कर सकते हो कि गाड़ी की जो एक्सीडेंटल कंडीशन है। लेफ्ट हैंड साइड से भी गाड़ी का जो इंजन जो कंडीशन है आप उसको पता लगा सकते हो। इसके साथ ही आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको बारीकी से दिखा दूँगा, ये जो स्पॉट जॉइंट होल रखा है इसमें स्पॉट वाली जो बेल्डिंग होती है इसमें हो रखी बेल्डिंग इसमें प्रॉपरली तरीके से हो रखी है। गाड़ी के जो जो कॉर्नर है ये वाली जो पट्टी है इसमें कोई भी डेंट नहीं है। अगर डेंट होता तो अलग ही दिख जाता। आप देख सकते हो, मैं आपको गौर से दिखा दूं, ये आप देख सकते हो ये स्पॉट बेल्डिंग हो रखी है। इसके जो निशान है, अगर ये निशान नहीं होते यहाँ पर हथौड़ी के कोई निशान होते हैं, और आप इसकी फिनिशिंग भी देख सकते हो, फिनिशिंग देख सकते हो, इसमें रस्टिंग की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये जो फूल रखी है ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक्सीडेंटल की कंडीशन होती तो वो अलग दिख जाता आपको। ये चीज़ जो है पट्टी जो है वो टेढ़ी मेढ़ी होती, कहीं से उभरी हुई कहीं से दबी हुई। और गाड़ी में पेंट हो रखा है या नहीं इसका पता आप यहाँ से भी लगा सकते हो, और इसके साथ ही आप यहाँ से भी लगा सकते हो गाड़ी की जो पेंट की जो है क्या कंडीशन है। इसके साथ ही आप यहाँ फेंडर पर हाथ रख के भी लगा सकते हो कि गाड़ी का जो फेंडर है वो डेंट पेंट हुए या नहीं। इसके साथ ही मैंने इस गाड़ी की जो मेजर एक्सीडेंटल की जो प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको बता दी है। अगर ये जो दोनों चीज़ें आपको चेक करना है, अगर ये चीज़ आपको पट्टी मिल जाती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसको भी प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है कि गाड़ी को 80 से 100 की स्पीड पर आपको हाईवे पर ले जाना है और गाड़ी को भगा कर देखना है कि कहीं गाड़ी की जो स्टेयरिंग है कहीं इधर उधर तो नहीं हो रही। तो ये चीज़ आप चलाकर चेक कर सकते हो। तो फाइनली मैंने इस गाड़ी में जो है एक्सीडेंटल कंडीशन कैसे चेक करना है वो आपको इस वीडियो में मैंने प्रॉपरली तरीके से बता दिया है। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आप कार खरीदते समय बिल्कुल भी धोखा नहीं खाएंगे। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर वाकई अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और दोस्तों मेरे देव MTR चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।